हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय च इत्यभिधीयते। यानी कि आयुर्वेदा हमेशा बोलता है कि आपके तीनों दोष सम अवस्था में हैं, आपकी इंद्रियां खुश हैं, आपके मल प्रॉपर हो रहे हो, तो यानी कि आप फिट हो। तो यार आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बताई हैं, जो रेमेडीज है, थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टार्ट की वो रेमेडीज और कमेंट में आके बताया कि मैम ये रेमेडीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को लाइक करो। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जानना है, नेक्स्ट वीडियो जानना है, तो आप नीचे कमेंट सेशन में बताओ, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट फील करूँ कि नहीं यार मुझे ये रेमेडी लेके आनी है और वाकई में लोग इसे बहुत सीरियसली अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने हमेशा बताया है कि मैं वो रेमेडी लेके आती हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है, जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और वैसे ही आज एक बहुत छोटी सी वीडियो के साथ बहुत छोटी सी रेमेडी लेके आई हूँ हमारे तिल को लेके। ठीक है, तिल को हमेशा के लिए वो खत्म कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसे नहीं होगा, ना ही एक रात में होगा, कम से कम 2-3 महीने आपको रेगुलर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आप तिल को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। और उसके लिए आपको चाहिए ये, क्या है ये एक ऑयल है, वो कौन सा, कैस्टर ऑयल, जिसको हम एरंड का तेल भी बोलते हैं। ये एरंड का तेल बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर से याद रखना कि कम से कम 2-3 महीने, में भी 4 महीने आपको अप्लाई करना है। 100% वो इफेक्टिव है और आपके मोल्स को वो बहुत डल कर देगा। जैसे बहुत लोग परेशान होते हैं, उनके यहाँ पे बहुत बड़े मोल हैं, यहाँ पे होते हैं, तो वो उसको इतना लाइट कर देगा। आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। आपको क्या लेना है, एक टूथपिक लेनी है। ठीक है, ये एरंड का तेल है आपका, इस तरह से आप ढक्कन में ले लो इसे। ठीक है, अब मानो छोटे छोटे तेल हैं जो फ्रंट साइड से लेके, ठीक है, जहां भी आपके तेल है, मानो फेस पे यहां पे है, तो उस पर धीरे धीरे टूथपिक से इस तरह से उससे करके मसाज करना है उस पर्टिकुलर एरिया पे। और जैसे कोई बड़े मोल हैं, तो वहां पे आप बैक साइड टूथपिक की लेके इस तरह से लेके, और वहां पे आप इस तरह से करके उससे मसाज करो। जितना ज्यादा आप उस पोर्शन पे मसाज करोगे, उतनी जल्दी। और ऐसा नहीं है कि अगर बाहर लग गया तो कुछ दिक्कत होगा, नहीं। अगर आपको लग रहा है फिंगर से कंफर्टेबल हो, वहां पे फिंगर से कर लो। टूथपिक से ये होगा कि मानो यहाँ पे तेल है ना, तो वो उतने एरिया को वो अच्छे से मसाज करेगा और कवर करेगा। दिन में 2-3 बार आपको एक एरिया पे पर्टिकुलर पे मसाज करनी है। ठीक है, और 3 महीने लगातार करनी है आपको। 1 महीने में फर्क दिखने लग जाएगा कि जो आपके तिल है ना, वो लाइट होने लग गए हैं विद इन मंथ। और धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो तिल को कम कर पाए। हाँ, कॉन्स्टिपेशन आपको ज्यादा रह रहा है, उसकी वजह से दिक्कत है। कई बार क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से छोटे 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 बहुत तिल आते हैं। उसका ट्रीटमेंट फिर आपको कॉज पे करना पड़ेगा, क्योंकि पित्त की वृद्धि हो रही है बॉडी में। और इसी के साथ यार, आपको किसी भी तरह का हेल्थ रिलेटेड इश्यू और मेरी रेमेडी कैसी लगी जरूर बताना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। पीसीओडी, माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कि हम ग्लास क्लियर स्किन, क्रिस्टल क्लियर स्किन कैसे पा सकते हैं। 1 डे चैलेंज करूंगी मैं आने वाले ब्लॉग में, और उसके बाद 7 डे चैलेंज इस तरह से, जो आपको ऐसे से ऐसे रिजल्ट दिखेगा। तो अपनी अपॉइंटमेंट्स में आप बुक कर सकते हैं। मोर ओवर, जो स्किन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, दिल्ली में है, विजिट कर सकते हैं आप। हर्बल फेशियल के लिए हमारे पंचकर्मा सेंटर में स्लॉट बुक कर सकते हो। नब्जा फेशियल है, 1 डे में डिफरेंस दिखेगा। जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा, मम्मा जब आए थे उनका फेस कैसा था, और 1 दिन में किस तरह से डिफरेंस आया, तो आप उसके लिए भी बुकिंग कर सकते हो। थैंक यू।